एसीबी की टीम ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए आयुर्वेद विभाग के इंस्पेक्टर इंद्रवीर भारद्वाज को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और साथ ही सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर सुरेश शर्मा, विभाग के हेल्पर इंद्र कुमार को भी एसीबी ने हिरासत में लिया। रिश्वत राशि लेने के बाद ईश्वर भारद्वाज ने राशि हेल्पर इंद्र कुमार को सौंप दी। ये रिश्वत राशि आरोपियों ने लॉन फार्मेसी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ली थी। एसीबी जोधपुर में परिवादी शरवण डागा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि आयुर्वेद विभाग जयपुर में तैनात सहायक निदेशक सुरेश शर्मा, आयुर्वेद विभाग में इंस्पेक्टर इंद्रवीर भारद्वाज रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। इस पर एसीबी ने मांग का सत्यापन करवाया और सत्यापन सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने अपनी योजना के अनुसार परिवादी से 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर आयुर्वेद विभाग इंद्रवीर भारद्वाज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। वहीं रिश्वत की राशि छुपाने के आरोप में विभाग के हेल्पर इंद्र कुमार और सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर सुरेश शर्मा को भी हिरासत में लिया गया। पहले हमें संपर्क किया था और उनकी शिकायत थी कि उनकी फार्मेसी का लाइसेंस, लोन लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो उसमें इंस्पेक्टर इंद्रवीर भारद्वाज जो जोधपुर पोस्टेड है वो, और जो सुरेश शर्मा जो जयपुर सहायक निदेशक पद पर हैं आयुर्वेद के, उन लोग पैसे उनकी मांग कर रहे हैं। उसके लिए वेरिफिकेशन 4-5 दिन से लगातार किया गया तो बात निकल कर सामने आई कि इंद्रवीर भारद्वाज मांग रहे हैं 51,000 रुपये और ये जो सहायक निदेशक सुरेश शर्मा है ये मांग रहे हैं 1,51,000 रुपये। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं वन संवाददाता दयाल सिंह। दयाल सिंह, क्या था ये पूरा मामला? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में आयुर्वेदिक विभाग के इंस्पेक्टर है इंद्रवीर भारद्वाज, उनको एसीबी ने आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 25,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही जो जयपुर में है सहायक निदेशक आयुर्वेदिक विभाग के सुरेश शर्मा, उनको भी वहीं उन्हीं के घर पर गिरफ्तार किया है। और साथ ही एक हेल्पर है इंद्र कुमार, उसको भी एसीबी ने फार्मेसी का उसको भी गिरफ्तार किया। ये तीनों जो है आयुर्वेदिक विभाग में जो लाइसेंस देने के शुल्क के नाम पर परिवादी से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास पुलिस ने 25,000 प्लस जो जो सहायक निर्देशक आयुर्वेदिक विभाग सुरेश शर्मा है उसको भी गिरफ्तार किया। उसने हालांकि राशि तो नहीं ली थी लेकिन जयपुर में आके देने को परिवादी को कहा था, लेकिन ये सभी जोधपुर में इंस्पेक्टर इंद्र कुमार के भारद्वाज के घर थे, वहां से एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दूं कि आयुर्वेद विभाग ने एसीबी ने 25,000 की घूस लेते हुए एक अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसके साथ ही उसके घर पर हेल्पर इंद्र कुमार को भी यहां पर एसीबी की टीम ने धर दबोचा है।